जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है क्रोशिया व्लॉग्स परिवार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेके आया है, यानी सफलता की ओर एक हमारा कदम है। तो सबसे पहले ठाकुर जी और महाकाल बाबा की कृपा, हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद और हमारे जितने भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की ब्लेसिंग्स, दुआओं और प्रार्थनाओं के कारण आज हमें एक सफलता मिल चुकी है। हमारे, आपने देखा होगा, 26 सितंबर को जब हम लाइव सेशन में आए थे मित्रों, तो हमने आपको कहा था हमारे कुछ सबमिशन 8 जुलाई के दिल्ली बीएफएस सेंटर में थे और मुझे 26 तारीख को मेरे ईमेल एड्रेस पे उनके कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिल चुके थे मेल के थ्रू। और मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जो आज हमारे ब्लू डॉट कोरियर मित्र हमें पासपोर्ट देके गए, और उस दिन भी हमने ट्रैक कर लिया कि दो जो हमारे क्लाइंट्स थे 8 जुलाई वाले, उनका क्या प्रोसेस है। उसी दिन हमें पता चल चुका था कि उनके भी वीजा लग चुके हैं, बाकी वीएफएस सेंटर वालों के गलती के कारण उन्होंने या तो ईमेल एड्रेस में कुछ मिस्टेक की होगी टाइपिंग में, तो दो मेल हमें वो उस दिन रिसीव नहीं हुए। तो आज हमें सुबह 11 बजे हार्ड कॉपी मिल चुकी है फिजिकल, जिनके भी पासपोर्ट पे वीजा लगा है। तो ये देखिए, हमें आज उनके पासपोर्ट सुबह मिल चुके थे और उनकी हार्ड कॉपी मैंने निकालने के बाद आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। दिन में हमने एक वीडियो अपडेट किया था, लेकिन कम्युनिटी पोस्ट लाइन गाइडलाइन के कारण वो वीडियो डिलीट कर दिया गया यूट्यूब ने। तो आप देखिए, पहले ये हमारे 7 पासपोर्ट के वीजा, और साथ ही अब ये देखिए आप, इसमें ये 4 वीजा के पासपोर्ट लगे हुए हैं। टोटल हमें ये 11 पासपोर्ट मिल चुके हैं। तो ये पासपोर्ट हमें आज सुबह हमारे ब्लू डॉट कोरियर मित्र की ओर से मिले थे। तो यही खुशखबरी हमें आप हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के साथ शेयर करना थी कि हमारे क्रोशिया व्लॉग्स परिवार को एक स्टेप आगे हम बढ़ चुके हैं, सफलता के एक कदम पर हम चढ़ चुके हैं। तो जो ये फाइल्स मिली थी, हमारे कुछ मित्रों का बिल्कुल क्वेश्चन होगा कि इनकी डेजिग्नेशन क्या है और इनका प्रोसेस कितने समय में हुआ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे क्रोशिया के जो एसोसिएट्स हैं, उनको एक कंपनी से उनका टाइप हुआ और उन्होंने 15 कहें तो रिक्वायरमेंट दी थी हमें कि 15 कंस्ट्रक्शन स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें उनकी डेजिग्नेशन स्टील फिक्सर, कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर, आपके टाइल मेसन, मेसन और ब्रिक लेयर की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने उनको 14 फाइलें दी थी और जो फाइलें हमने ली थी 15 से लेकर 30 अप्रैल तक हमारे पास ये फाइलें कलेक्ट हो चुकी थी 14। और जब हमने उनको ये फाइलें फॉरवर्ड करी, हमें कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिला हमारे एसोसिएट्स के थ्रू, हमने उनको साइन करके जब फॉरवर्ड किया, तो 2 मई को उनके स्क्रीनशॉट के शेयर हमें प्रूफ मिल चुके थे और ये सब आउट ऑफ जागरिप के थे मित्रों, और हमें 55 दिन में उनके परमिट्स मिल चुके थे। 24 जून को हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे 14 परमिट्स मिल चुके थे और हमने उनका सबमिशन 8 जुलाई दिल्ली वीएफएस सेंटर में करवाया था। और आज जब आपको बताना चाहूंगा, 26 तारीख को 81 दिन होने के बाद हमें कोरियर डॉट के मैसेज मिल चुके थे और आज 83 डेज के बाद हमें उनकी हार्ड कॉपी भी मिल चुकी है। तो लगभग 5 महीने में उन मित्रों का टोटल सक्सेसफुली वीजा लग चुका है मित्रों। और अभी 3 मित्र हमारे और बाकी हैं, क्योंकि उनका सबमिशन डेट 22 जुलाई है और एक 25 जुलाई का है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा, 4 हमारे जो सबमिशन है फूड डिलीवरी ड्राइवर के, वो 16 जुलाई के हैं। तो वो हो सकता है अगले महीने की, हमें 10 से 15 अक्टूबर को हमारे जितने भी बाकी 7 केस हैं अंडर प्रोसेस, उनके भी डिसीजन मिलेंगे। और प्रभु से यही कामना है कि सभी के सक्सेसफुली वीजा ही लगना है, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और उससे हमें पता भी चल चुका है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसमें हमें जो 2 फाइल मिली थी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिली, 2 हमें एक एसोसिएट्स पंजाब के हैं उनके थ्रू मिली, और 9 फाइल एक एसोसिएट्स पंजाब के हैं उनके थ्रू मिली थी। और सभी मित्रों का हमने क्रोशिया का फाइल का सबमिशन मैंने खुद वीएफएस सेंटर दिल्ली जाकर करवाया था और आज हमें बड़ी सफलता मिल चुकी है। तो यही छोटी सी खुशी आप हमारे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स, यानी हमारे क्रोशिया व्लॉग्स परिवार के साथ हमें शेयर करने में खुशी हो रही है। तो
उन सभी हमारे एप्लीकेंट को जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमारे एसोसिएट्स के ऊपर ट्रस्ट किया और हमारे क्रोशा के एसोसिएट्स को भी बहुत बहुत बधाइयां कि उनके थ्रू हमें ये वैकेंसी मिली और हमारी जो कंपनी है उसके थ्रू हमें ये वैकेंसी भी मिली। तो उन सभी का योगदान है क्योंकि किसी भी अगर फाइल का अगर कहें तो वो विदाउट टीम वर्क के बिना असंभव है। तो सभी के सहयोग और आपके ट्रस्ट का, जिन्होंने भी अपने हमारे ऊपर अपने एसोसिएट्स के ऊपर ट्रस्ट किया, तो सभी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी भी एसोसिएट्स फ्रेंड या अपने मित्र के थ्रू फाइल लगाते हैं, हम हमारे हर लाइव सेशन में हर वीडियो में कहते हैं, तो आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेटर लीजिए मित्रों। कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेने के बाद स्क्रीनशॉट का प्रूफ लीजिए, उसके बाद आपको वेट करना चाहिए। 1 से 5 महीने वर्क परमिट में लग सकते हैं, जैसे हमारे केस में 55 दिन में परमिट आए थे आउट ऑफ जागरिप से और 83 डेज में वीजा भी लग चुका है। तो आप अपने एसोसिएट से ये डील जरूर करिएगा जब भी आप किसी एसोसिएट्स के पास जाएं कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर देंगे, स्क्रीनशॉट का प्रूफ देंगे, हमें पूरा फॉलो अप देंगे कि नहीं देंगे, उसके बाद आप अपना पेमेंट करिएगा मित्रों। क्योंकि अभी भी मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा, स्कैम तो बहुत चल रहे हैं मित्रों, और मैं आशा करता हूं आने वाला जो अगला हफ्ता है 30 सितंबर से 4 अक्टूबर और उसमें एक सार्वजनिक अवकाश है जिसमें 2 अक्टूबर बुधवार के दिन गांधी जयंती है, तो उस दिन वीएफएस सेंटर बंद है और एम्बेसी से भी आप मित्रों के डिसीजन नहीं आएंगे। तो अगले हफ्ते के 4 वर्किंग डे हैं 30 सितंबर से 4 अक्टूबर में। तो मैं आशा करता हूं बहुत सारे मित्रों को उनकी फाइलों के डिसीजन मिले, कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले। अभी भी जून के केस पेंडिंग है, रिमेनिंग केस के डिसीजन आएंगे अगले हफ्ते, और जो जुलाई की मैं बात बताना चाहूंगा, जुलाई के फर्स्ट और सेकंड वीक के डिसीजन आए थे पिछले फ्राइडे तक। तो इसमें ऐसा नहीं कि 1 से 5 तक पूरा क्लियर हो चुका है, हमारे 8 जुलाई के थे और मैं आपको बताना चाहूंगा 22 जुलाई का मुंबई वीएफएस सेंटर का भी एक हमारे सब्सक्राइबर का वीजा लग चुका है, उन्होंने हमें अपना स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो जितने भी मित्रों को पिछले हफ्ते कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं उनको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे क्रोशा व्लॉग्स परिवार की ओर से, हमारे व्यूवर्स की ओर से, हमारे सब्सक्राइबर की ओर से, हमारे फॉलोअर्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन भी मित्रों के वीजा लगे हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मित्रों के रिजेक्शन भी आए हैं, तो रिजेक्शन और वीजा कंपनी के स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है मित्रों। तो आज के वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं फिर कहूंगा, अगले हफ्ता सभी मित्रों के लिए खुशखबरी वाला हो, कोरियर डिस्पैच मैसेज उनको मिले हैं और हमारे जितने भी 7 केस अंडर प्रोसेस चल रहे हैं, तो आने वाले वीक्स में जब भी उनके डिसीजन आएंगे आपको हम फॉलो अप देंगे। तो करता हूं मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, धन्यवाद मित्रों।